हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के क्रिएटिव मैनेजर रह चुके सिद्धार्थ पिथानी को एक बार फिर से पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे पूछताछ की गई। ये उनसे एक बार नहीं बल्कि चौथी बार पूछताछ की गई है। जी हाँ, पुलिस यहाँ पर उनसे पूछताछ करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। वेल दोस्तों, कई सारे एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल फिल्मी बीट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वेल दोस्तों, सुशांत के दोस्तों से लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पुलिस ने अभी तक 14 से 15 लोगों से पूछताछ कर ली है और उन्हीं में से कई बार किसी के साथ तो दोबारा और तिबारा इन्वेस्टिगेशन की गई है। उन्हीं में नाम शामिल है सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिथानी का। जी हाँ, सिद्धार्थ से की गई बातचीत से पुलिस कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन और जानने की कोशिश की। सिद्धार्थ पिथानी को पुलिस स्टेशन दोबारा बुलाया गया और चौथी बार उनसे जांच पड़ताल की गई। सिद्धार्थ को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाने के मतलब से तो यही साबित होता है कि सिद्धार्थ के पास सुशांत से जुड़ी हुई कई सारी इन्फॉर्मेशन थी। जी हाँ, सब कुछ सुशांत का प्रोफेशनली वो ही हैंडल कर रहे थे। वो जानते थे कि वो किस असाइनमेंट पर काम करने वाले हैं। उन्हें ये भी पता था कि उन्हें किस असाइनमेंट के लिए कितना पैसा मिला है और कितना पैसा उन्होंने दिया है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत ने कई जगह इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था। सिद्धार्थ पिथानी को उसकी भी सारी जानकारी थी। सिद्धार्थ उनके मैनेजर ही नहीं बल्कि उन्हें काम दिलाने और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन देते थे। वेल दोस्तों, सिद्धार्थ पिथानी ने क्या कुछ बताया है पुलिस को, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको जल्द ही बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।